हेलो स्टूडेंट, आई एम मनु परमा। आज हम आपको बायोलॉजी के चैप्टर वन में जो है, यानी कि जो कोशिका है, आज हम कोशिका के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो देखिए, जो चैप्टर वन है, तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। यानी कि जीवन की आधारभूत इकाई वो आपकी सेल यानी कि कोशिका कहलाती है। हम सभी लोग जानते हैं कि जितने भी जीवधारी हैं, चाहे वो पादप हों चाहे जंतु हों, वो सभी जो हैं कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, और उनके अंदर जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जैसे उनका गति करना, उनमें पाचन, वृद्धि, विकास और बहुत सारी जो क्रियाएं हैं, वो सब जो है वो कोशिकाओं के द्वारा ही संपन्न होती हैं, इसलिए इसे क्रियात्मक यानी कि फंक्शनल भी कहते हैं। दूसरा जो है इसका, यानी कि जिस तरह से हमारे पेड़ पौधों और जीवधारियों का जो शरीर बना है, वो भी जो है कोशिकाओं से मिलकर के बना है। तो एक प्रकार से स्ट्रक्चरल, यानी कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है और उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं, वो सभी जो हैं कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। इसके पहले हम देखते हैं कि कोशिका की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे इसकी खोज हुई, तो उसके बारे में हम देखते हैं। जो सेल यहाँ पे लिखा है, सेल जो है बना है सेलुला से। सेलुला जो वर्ड है, ये लैटिन भाषा का है, जिसका अर्थ है ए स्मॉल कंपार्टमेंट, यानी कि एक छोटा सा कक्ष या कोठरी या कोस्ट कह सकते हैं, यानी कि एक छोटा सा कक्ष या कोठरी होती है। इस सेलुला से ही मिलकर के सेल शब्द का निर्माण हुआ है। आगे हम बात करेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। यानी कि इसकी परिभाषा क्या है, तो इसको जो है आप बहुत इजी और छोटी परिभाषा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि सभी सभी जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवधारियों की कि जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक जो इकाई है, वो कोशिका को ही क्यों कहते हैं, यानी कि सेल को ही क्यों कहते हैं, क्योंकि जितने भी जीवधारी हैं उनका शरीर जो है, जो स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, वो संरचनात्मक के अंतर्गत आते हैं, यानी कि कोशिका यानी कि सेल से ही इनका निर्माण हुआ है। अगला जो यहाँ पे दिया गया है क्रियात्मक, तो क्रियात्मक का यहाँ पे अर्थ ये है फंक्शनल यानी इनके कार्य। तो जीवधारी के शरीर में जो विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, यानी कि उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, तो वो क्रियात्मक के अंतर्गत आते हैं। इसलिए सभी जीवधारी की जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक जो इकाई है, वो जो है कोशिका यानी कि सेल कहलाती है। अब हम बात करते हैं कि इसकी खोज के बारे में,
डिस्कवरी ऑफ सेल्फ, यानी कि अगर हम खोज की बात करें तो इसकी खोज सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा, इसकी सबसे पहले खोज की गई थी। उन्होंने एक बोतल की कार पर लगे हुए टुकड़े की परत को उन्होंने माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी से देखा तो सभी कोशिकाएं जो हैं वो मधुमक्खी के छत्ते के आकार के जो कोष्ठ होते हैं सेम उसी तरह की सभी कोशिकाएं दिखी। जैसे मधुमक्खी के छत्ते में बहुत सारे कोष्ठ बने होते हैं, सेम इसी तरह जो है उस परत में कोशिकाओं की संरचना दिखाई दी इस तरह से। तो उनका नाम जो है इन्होंने सेल दे दिया। लेकिन ये सभी जो कोशिकाएं थी ये मृत अवस्था में थी, यानी कि मृत कोशिकाएं सभी थी, इनका नाम इन्होंने सेल दिया। इनकी एक बुक है माइक्रोग्राफिया, इनकी जो एक बुक है माइक्रोग्राफिया, इस माइक्रोग्राफिया में इन्होंने सेल की पूरी डिटेल दी है इस माइक्रोग्राफिया बुक में। तो ये भी याद रखेंगे कि जो इनकी बुक है माइक्रोग्राफिया नाम की, तो इस माइक्रोग्राफिया में जो है ये सारी डिटेल जो है सेल की सारी डिटेल्स किताब में दी गई है। अब अगला जो है एक हमारे वैज्ञानिक हैं एंटोनी वान एंटोनी वान लेवेनहॉक, उन्होंने 1674 ईस्वी में सर्वप्रथम जीवित कोशिका का अध्ययन किया। एंटोनी वान लेवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका का अध्ययन किया। आगे देखते हैं कि इसमें सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत आता है। सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत, तो हमारे वैज्ञानिक हैं स्लाइडन तथा सॉन, ये दो वैज्ञानिक हैं। इन्होंने सबसे पहले जो है सेल थ्योरी दिया यानी कि कोशिका सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि जो सभी जीवधारी जो हैं सभी जीव जो हैं वो एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। इनका एक पहला सिद्धांत था यानी कि सभी जीवधारी एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। दूसरा जो है कि सभी जीवधारियों में जो क्रियात्मक और संरचनात्मक जो इकाई है वो कोशिका होती है। और आगे इन्होंने बताया कि जितने भी जीवधारियों में कोशिका विभाजन होता है यानी कि उनमें जो वृद्धि होती है तो उनकी पूर्वज यानी कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से ही नई कोशिकाएं बनती हैं। ऐसे कह लीजिए कि इनमें जो कोशिका बनती है या कोशिका का निर्माण होता है वो उनकी पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से ही नई कोशिका बनती है,
जिससे जीवधारी जो है वृद्धि और विकास करते हैं। ये सेल थ्योरी में स्लाइडन और स्वान ने दिया था। तो आगे देखते हैं कि कोशिका के प्रकार, कोशिका कितने प्रकार की होती है। टाइप ऑफ सेल यानी कि कोशिका के प्रकार, कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, पहला तो यूकैरियोटिक और दूसरा जो है प्रोकैरियोटिक। यानी कि कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो देखते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल को देखते हैं, दूसरा आपका हो जाता है यूकैरियोटिक सेल। जो यहां पे प्रोकैरियोटिक सेल है ये देखते हैं क्या है। तो प्रोकैरियोटिक को याद रखने के लिए हम इसको संधि विच्छेद कर लेंगे, प्रो का जो यहां पे अर्थ है वो प्रीमिटिव है, वो प्रीमिटिव है। प्रीमिटिव का मतलब यहां पे आद या प्राचीन होता है, आद या प्राचीन होता है। और यहां पे कैरियोटिक लिखा है तो इसको कैरियन लिख सकते हैं, जिसका अर्थ होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। यानी कि आदमी प्राचीन होता ही है, तो आप कह सकते हैं कि प्राचीन केंद्रक वाली कोशिकाएं, प्राचीन केंद्रक वाली कोशिकाएं। प्राचीन केंद्रक वाली कोशिकाएं या अविकसित केंद्रक वाली कोशिकाएं, ऐसे भी कह सकते हैं अविकसित, अविकसित केंद्रक वाली कोशिकाएं, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो अविकसित केंद्रक वाली कोशिकाएं होती हैं। अगला जो यहाँ पे है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो इसको भी उसी तरह से करेंगे, यहां पे यू को अलग कर लेंगे। यू का मतलब यहां पे गुड या वेल, यानी कि अच्छे केंद्रक वाली न्यूक्लियस। यानी कि आप कह सकते हैं यानी कि अच्छे केंद्रक वाली या सुविकसित, या सुविकसित, सुविकसित केंद्रक वाली कोशिकाएं, ऐसे भी आप कह सकते। तो इसमें केंद्रक जो है यूकैरियोटिक में जो है वो केंद्रक जो है वो पूर्ण विकसित होता है, यानी कि सुविकसित वाली कोशिकाएं होती, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है केंद्रक अविकसित होता है, यानी कि इसमें जो केंद्रक वाली जो कोशिकाएं हैं वो आपकी यूकैरियोटिक के अंतर्गत आती हैं, और जो अविकसित केंद्रक वाली कोशिकाएं हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आती हैं। अब हम देखते हैं इनमें अंतर क्या होता है, ठीक है। तो हम अंतर देख लेते हैं क्या है इनमें।
एक तरफ हम लिखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरी तरफ लिखेंगे हम यूकैरियोटिक सेल। तो इसमें हम जो है सबसे पहले देखेंगे, यानी कि जो इनके लक्षण हैं, तो वहां पे इस तरह से हम लिखेंगे। सबसे पहला जो लक्षण है, हम न्यूक्लियस यानी कि केंद्र की ही बात कर लेते हैं। केंद्र की बात कर लेते हैं, तो केंद्रक आपको बताया गया है कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती हैं उसमें केंद्रक अवेक्षित होता है, यानी कि इसमें लिखेंगे जो केंद्रक है, यहाँ पे हमने पहले लिख रखा है तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो होता है वो होता है अविकसित होता है, अविकसित अविकसित होता है। और जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है वो सुविकसित होता है, सुविकसित होता है, यानी कि सुविकसित लिख सकते हैं या पूर्ण विकसित होता है। तो ये किसमें हो गया पहला। दूसरा जो है इसमें प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य बताया गया है कि इनमें जो है वो संपूर्ण कोशिका में भरा होता है, यानी कि फैला होता है, और जो सुविकसित कोशिकाओं में होता है वो केंद्रक, केंद्रक कला, केंद्रक कला व कोशिका कोशिका भित्ति के मध्य होता है। अगला जो यहां पे है राइबोसोम, राइबोसोम। तो राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S प्रकार का होता है और इसमें 80S प्रकार का होता है। यहां पे S जो वर्ड लगा है तो ये स्वीडबर्ग यूनिट से नापे जाते हैं, इसलिए यहाँ पे एस वर्ड लगा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसे 70S कहते हैं और इसे 80S कहते हैं। स्वीडबर्ग एक यूनिट होती है जिससे ये नापे जाते हैं, इसलिए इसके जो है पीछे जो है एस यूनिट लिख दी जाती है, ठीक है। चौथा जो है इसमें सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कि कोशिका। तो कोशिका अंग इसमें जो होते हैं, यानी कि कहने का मतलब एक ये है, कोशिका अंग यानी कि माइटोकांड्रिया, गाल्जी का, लाइसोसोम, हरित लवक, ये जो है कोशिका अंग ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। तो ये जो चार अंतर हैं ये इनके मेन अंतर हैं। अगला जो यहां पे अंतर है नंबर 5,
अगला जो है यानी कि श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन, तो ये जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है। ये क्रिया प्लाज्मा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकांड्रिया में उपस्थित, यानी कि जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकांड्रिया होता है तो रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन क्रिया इसमें माइटोकांड्रिया में संपन्न होती है। और जो इसका आनुवंशिक आनुवंशिक जो पदार्थ है वो इसमें आरएनए या डीएनए हो सकता है, यूकैरियोटिक में डीएनए होता है। तो ये इसकी कुछ मेन लक्षण थे, अब उनको कंप्लीट कर लीजिए और जो इस चैप्टर की कुछ चीज़ें रह गई हैं तो हम आपको अगले यानी नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। थैंक्स।